अमन एक बिकनी फैक्ट्री चलाता था। उसका काम काफी अच्छा था। काफी शहरों में उसका माल सप्लाई होता था। अमन के परिवार में उसकी माँ और पत्नी थे। अमन की शादी एक साल पहले ही रीमा से हुई। रीमा बहुत ही नाइस नेचर की लड़की। मम्मी जी ये लीजिए आपकी बिना चीनी वाली चाय, और अमन ये आपकी लेमन टी। सच रीमा, तुम हम सबका कितना ख्याल रखती हो। मम्मी जी आप भी तो मेरा कितना ख्याल रखते हो। रीमा मुझे आने में आज लेट हो जाएगा, नए सैंपल आए हैं तो उनकी चेकिंग करनी है, मैं चलता हूँ। अमन की फैक्ट्री में बिकनी के नए सैंपल आए थे। अमन को लगता था कि इस बार अगर कस्टमर्स को सैंपल पसंद आ गए तो उसे अच्छे ऑर्डर्स मिल जाएंगे, पर कहते हैं ना कि वक्त का कुछ पता नहीं होता कि कब क्या हो जाए। अचानक रात को वापस आते समय अमन की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी कार एक खंभे से टकरा जाती है। अमन का इतना बुरा एक्सीडेंट होता है कि अमन बिस्तर पर आ जाता है। अमन का सारा काम बंद हो चुका था क्योंकि उसके न जाने से फैक्ट्री में कोई काम नहीं हो रहा था। क्या करूं, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा, बार बार सबके फोन आ रहे हैं, किस किस से समय मांगू। मेरे एक्सीडेंट के बाद सब कुछ खत्म हो रहा है, कितनी उम्मीदें थी पर मेरी तो फैक्ट्री बंद होने की नौबत आ गई है। परेशान मत हो बेटा, तू अपनी तबीयत की चिंता कर, अगर तू ऐसे ही सोचेगा तो तेरी तबीयत और बिगड़ जाएगी। आप चिंता मत करो, आपकी फैक्ट्री बंद नहीं होगी। माँ जी हम दोनों मिलकर फैक्ट्री का काम देखेंगे, आप मेरा साथ देंगी ना। रीमा हम ये काम कैसे कर सकते हैं बहू। क्यों माँ जी हम क्यों नहीं कर सकते, आजकल की एडवांस दुनिया में औरतें मर्दों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं। आज अमन को हमारी जरूरत है, फैक्ट्री में सैंपल रखे हुए हैं, बस हमें सैंपल्स कस्टमर्स को दिखाने हैं और जो भी कपड़ा आया हुआ है उसका माल बनवाना है। रीमा तुम ये सब कैसे संभालोगी, किस तरह के कस्टमर होंगे, कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है। आप चिंता मत करो, मेरे साथ माँ जी हैं, मैं आराम से इस काम को संभालूंगी। माँ जी आप फैक्ट्री का काम देखना, मैं सैंपल लेकर कल से ही कस्टमर्स के शोरूम में जाना स्टार्ट करती हूँ। रीमा ने सोच लिया था कि वो अपनी सास के साथ मिलकर बिकनी का बिजनेस संभाल लेगी। अगले दिन रीमा अपनी सास के साथ फैक्ट्री पहुंचती है। रीमा की सास अंजना ऑफिस का सारा काम देखने लगी और रीमा सैंपल लेकर कस्टमर्स को दिखाने लगी। शुरू शुरू में तो उसको झिझक होती थी क्योंकि सबके सामने सैंपल दिखाना, पूरी प्रेजेंटेशन तैयार करना, सब कुछ समझाना, पर धीरे धीरे रीमा को इसकी आदत हो गई। कुछ ही समय में उसने अपनी सास अंजना के साथ मिलकर बिकनी का सारा बिजनेस संभाल लिया। माँ जी पूरे 50 लाख का ऑर्डर है, हमें इस माल को बहुत अच्छे से तैयार करना है। रीमा मैंने सब कुछ देख लिया है, एक बार तुम भी फाइल चेक कर लो, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है ना, सारे सैंपल वही है ना जो माल बन रहा है। अरे माँ जी टेंशन क्यों लेते हो, मैं पहले ही चेक कर चुकी हूँ, मैंने वही माल बनवाया है जिसका हमें ऑर्डर मिला है, मैंने पहले ही सब कुछ देख लिया था। अच्छा चलिए थोड़ी देर घर पर चलकर आराम करते हैं, तब तक निरंजन यहाँ पर काम देख लेगा। निरंजन तुम यहीं ऑफिस में रहना, मैं शाम तक वापस आती हूँ। ओके मैडम कोई बात नहीं, मैं सब देख लूंगा। निरंजन कुछ समय के लिए गांव चला गया था, पीछे से अमन का एक्सीडेंट हो गया। निरंजन जब वापस आया तो उसने रीमा और अंजना को फैक्ट्री में देखा। निरंजन अमन के बचपन का दोस्त था, वो बहुत गरीब था इसलिए उस पर तरस खाकर अमन ने उसे अपनी फैक्ट्री में नौकरी दे दी थी, पर निरंजन मन ही मन अमन से चिढ़ता था। निरंजन फाइल में सैंपल के पीस बदल देता है, वो बनाने वाले सैंपल की फोटो के बदले दूसरे सैंपल की फोटो लगा देता है। कुछ देर बाद वो फाइल वर्कर्स को दे देता है और माल बनना शुरू हो जाता है। अब देखता हूँ इन्हें बर्बाद होने से कौन बचाता है, पूरे 50 लाख का माल जो ऑर्डर दिया था उसकी जगह जब दूसरा माल कस्टमर के पास पहुंचेगा तब इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। इसमें मेरी क्या गलती है, मैडम ने तो फाइल को चेक कर लिया था। शाम को जब रीमा वापस आती है तब तक सारा माल कट चुका था। रीमा देखकर हैरान रह जाती है कि उसने जो डिजाइन बोले थे उनकी जगह दूसरा डिजाइन बन रहा है। रीमा चौंक जाती है, निरंजन ये सब क्या है, हमें तो दूसरे सैंपल के ऑर्डर मिले थे ना, वर्कर ये क्या माल बना रहे। मैडम फाइल में तो यही वाले सैंपल फोटो में लगे हुए हैं, आपने यही तो बोला था बनाने के लिए। नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती, अब मैं क्या करूं, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, जाने अनजाने में मैंने ये क्या गलती कर दी। ओ नो। अगले एक दो दिन तक रीमा बहुत परेशान होती है क्योंकि माल बनकर तैयार हो चुका था और सैंपल गलत हो गए थे। एक दिन रीमा जब घर पर होती है तो उसे उसी कस्टमर का फोन आता है जिसने माल बनवाया था। रीमा फैक्ट्री पहुंचती है और वो कस्टमर वही था। रीमा और उसकी सास उसे ऑफिस में ले जाती हैं। निरंजन लगातार उन्हें देखकर मन ही मन हंस रहा था। कुछ देर के बाद रीमा निरंजन को ऑफिस में बुलाती है। मैडम आप परेशान मत होइए, मैं। रीमा निरंजन को जोरदार चांटा लगाती है। रीमा जी इस आदमी के कारण आपका जो भी नुकसान होने वाला था उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपका ये माल भी खरीद लूंगा और जो सैंपल दिए हैं मैं वो भी बनवा लूंगा, पर ऐसे घटिया इंसान से बचकर रहिएगा।
मुझे आपके हालात पता हैं। अमन जी का एक्सीडेंट और उसके बाद आपका अपनी सासू माँ के साथ मिलकर इस बिजनेस को संभालना और बाकी आपकी हिम्मत और मेहनत देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वो तो मैंने निरंजन को बाजार में किसी से बात करते देख लिया। ये उससे कह रहा था कि किस किस तरह से इसने सैंपल के पीस बदल दिए और आपका नुकसान चाहता है, पर हम में भी इंसानियत जिंदा है रीमा जी। हम भी किसी का नुकसान नहीं होने दे सकते, और वो भी तब जब जानबूझकर उनके साथ कोई गलत कर रहा हो। थैंक यू मिस्टर राज, आप जैसे कस्टमर अगर हमारे साथ हैं तो हमारे बिजनेस को कोई नहीं गिरा सकता। इससे पहले कि हम पुलिस को तुम्हारे बारे में बताएं, निरंजन तुम यहाँ से निकल जाओ और आइंदा अपना चेहरा मत दिखाना। तुम क्या समझते हो औरतें कमजोर होती हैं तो उन्हें कोई भी ठग सकता है? नहीं, औरतों की ताकत को तुम नहीं जानते हो। निकल जाओ यहाँ से। निरंजन अपना सा मुंह लेकर चला जाता है। मिस्टर राज वो माल भी खरीद लेते हैं जो बन चुका था और बाकी के माल का भी ऑर्डर दे देते हैं। अमन को सारी बात पता चलती है। वो भी निरंजन की हरकत पर गुस्सा था। कुछ समय बाद अमन की तबीयत ठीक हो जाती है, पर ऐसा नहीं था कि अब रीमा और अंजना ने काम छोड़ दिया। नहीं, अब अंजना और रीमा भी अमन के साथ फैक्ट्री में काम देखती थी। चंदा की सास बिमला गड्डी के नोट बार बार गिन रही थी। आज उनकी काफी अच्छी कमाई हुई थी, पर ये पैसा ईमानदारी की कमाई का नहीं, बेईमानी की कमाई का है। अरे अम्मा बस भी करो, नोटों को नजर लग जाएगी। कितनी बार तो गिन चुकी हो, अब ये थोड़ी है कि बार बार गिनने से नोट बढ़ जाएंगे। बहू सच, आज तो हमारी अच्छी कमाई हुई है, हमने बच्चा अच्छे दामों में बेच दिया। अम्मा कल किस पर हाथ मारना है? हमें नई कॉलोनी ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि हॉस्पिटल में तो अभी बहुत सख्ती चल रही है। अरे बहू नई कॉलोनी बनी है ना? हाँ मैंने सुना है किसी औरत को बच्चा होने वाला है, किसी नौकरानी की जरूरत है। तो समझ गई ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ माँ, इतने समय से हम बच्चा चुरा रहे हैं, आज तक किसी को भी हम पर शक नहीं हुआ, तो आगे भी नहीं होगा। विमला और चंदा दोनों बच्चा चुराने वाली सास बहू थी। जहाँ भी किसी के नया बच्चा पैदा होता वो दोनों सास बहू तरकीब लड़ाकर बच्चे को चुरा लेती। विमला के पति को गुजरे कई साल हो चुके थे और चंदा का पति एक कारखाने में काम करता था। चंदा के पति दिनेश को इस बात की कानोकान भी खबर नहीं थी कि उसकी माँ और पत्नी बच्चा चोर हैं। नई सोसाइटी में किरण नाम की एक महिला को बच्चा होने वाला था और वो एक नौकरानी की तलाश कर रही थी। चंदा उस घर में नौकरी के लिए जाती है और घर की घंटी बजती है। नमस्ते मैडम, मुझे पता चला आपको नौकरानी की जरूरत थी। हाँ हाँ, अच्छा तो तुम्हें सुनैना ने भेजा है? ऐ, ये सुनैना कौन है? होगी कोई, मुझे क्या। जी जी, सुनैना जी ने भेजा है। चलो अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्हें सारा काम समझा देती हूँ। सुनैना का फोन होगा। हेलो, थैंक यू यार, तूने काम वाली भेजकर मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, थैंक यू सो मच। अच्छा वो आ गई काम वाली, चलो ठीक है, क्योंकि वो मना कर रही थी कि उसके पास टाइम नहीं, हो सकता है आ गई है, तो चल ठीक है करवा ले फिर तू काम। किरण की सहेली सुनैना को लगा कि जो काम वाली उसने बताई थी वही काम करने आई है, इसलिए बात वहीं खत्म हो जाती है। चंदा अब किरण के घर में काम करने लगती है। कुछ समय बाद किरण के बेटा पैदा होता है। किरण अब चंदा पर बहुत भरोसा करने लगी थी। चंदा तेरी नजर में कोई अच्छी मालिश वाली हो तो बताना मुझे, मुझे अपनी और मुन्ना की मालिश के लिए रखना है। मालिश वाली? मालकिन मेरी सास मालिश का काम करती है, वो दाई है, काफी घरों में जच्चा बच्चा की मालिश के लिए जाती रहती है। अच्छा तो फिर एक काम कर, तू उनको ही बोल दे सुबह आकर मेरी और बच्चे की मालिश कर जाया करें। ठीक है मालकिन, मैं आज ही अपनी सास को बोल दूंगी, कल से वो आपके घर आ जाया करेंगी। चंदा का काम बन गया। अगले दिन बिमला मालिश के लिए आ जाती है और वो किरण और उसके बच्चे की मालिश करनी शुरू कर देती है। बिमला को मालिश करते हुए दो दिन हो चुके थे। मालकिन मैंने मुन्ना की मालिश करके उसे धूप में थोड़ी देर लिटा दिया है, या तो आप नहा लो फिर मैं बच्चे को नहला दूंगी। ठीक है फिर आप मुन्ना के पास बैठो, मैं नहा कर आती हूँ। चंदा तब तक अपनी सास को चाय बनाकर दे दे, वो बहुत देर से आई बैठी है, मालिक ऑफिस जा चुके हैं, बाहर दरवाजे की कुंडी भी लगा दे। ठीक है मालकिन मैं लगा देती हूँ, आप नहा कर आ जाओ, तब तक मैं आपकी भी चाय बना दूंगी। बिमला और चंदा इसी मौके की तलाश में थी। वो दोनों बच्चे को गोदी में लेती हैं और दरवाजा खोलकर भाग जाती है। कुछ देर बाद किरण नहाकर लौटती है, उसका बच्चा वहां नहीं था। बिमला और चंदा भी गायब थे। मुन्ना कहाँ गया? चंदा और उसकी सास भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। चंदा, ओ चंदा,
यहाँ भी नहीं है। ये दोनों मुन्ना को लेकर गई कहाँ है? किरण ने पूरा घर छान मारा, घर में कोई भी नहीं था। किरण जोर जोर से रोने लगती है और अपने पति को फोन मिलाती है। कुछ देर बाद पुलिस भी आ जाती है। जैसा कि आप हमें बता रहे हो कि आपने कुछ दिन पहले ही चंदा को अपने घर नौकरी पर रखा था और उसी की सास आपने मालिश के लिए लगाई थी, हैं? तो कुल मिलाकर यही बात सामने आ रही है कि ये वही बच्चा चोर सास बहू है जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। कुछ दिन पहले इन्होंने एक हॉस्पिटल से भी एक बच्ची को चुराया था। कुछ समय से ये हॉस्पिटल से बच्चे नहीं चुरा रही क्योंकि पुलिस ने हॉस्पिटल में सख्ती कर दी है, इसीलिए अब वो सोसाइटी को अपना निशाना बना रही है। आप घबराइए नहीं, पुलिस जल्दी ही उन्हें पकड़ लेगी। आपको ये नौकरानी के बारे में कैसे पता चला था? मेरी सहेली सुनैना ने ये काम वाली भेजी थी। किरण पुलिस को सारी बात बताती है। कुछ देर बाद सुनैना भी आ जाती है, पर उसकी बातें सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। सुनैना के साथ एक औरत भी थी। किरण, मैंने तो इनके लिए बोला था, ये तो तुम्हारे पास काम के लिए आई ही नहीं, फिर तुमने किसे काम पर रख लिया? बीबी जी, मैं आ नहीं सकी क्योंकि मेरा बेटा बीमार हो गया था, तो मैंने सभी घरों से छुट्टी ली हुई थी और मैंने पिछले 15 दिन से कोई भी नया काम नहीं पकड़ा। सुनैना और उसकी कामवाली की बात सुनकर किरण घबरा जाती है। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज आप जल्दी कुछ कीजिए, पता नहीं वो दोनों हमारे बच्चे को न जाने किसे भेज देंगी। ये जो है हमारे स्केच आर्टिस्ट हैं, आप इन्हें उनका हुलिया बता दीजिए, इसकी सहायता से हम बहुत जल्द उन मुजरिम सास बहू तक पहुँच जाएंगे। किरण की हेल्प से पुलिस को चंदा और बिमला का हुलिया पता चल जाता है। दोनों के पोस्टर शहर में लगा दिए जाते हैं। चंदा और बिमला शहर छोड़कर भागने की तैयारी में थी कि तभी दिनेश को ये बात पता चल जाती है। तुम दोनों बच्चा चुराने का काम करती हो, मैं तुम दोनों का इस काम में बिल्कुल साथ नहीं दूंगा, मैं पुलिस को सब बता दूंगा। नहीं, तुम पुलिस को कुछ नहीं बताओगे। हम दोनों ने इतने पैसे जोड़ लिए हैं कि हम ये देश छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। बस इस बच्चे को हम एक परिवार को बेच रहे हैं, इस बच्चे के बदले हमें 10 लाख रुपए मिलने वाले हैं। बहू ठीक कह रही है दिनेश, कब तक दूसरों की नौकरी करके दर दर की ठोकरें खाता रहेगा? अरे अपने बारे में सोच, दुनिया की परवाह मत कर, अब हमने लाखों रुपए कमा लिए हैं, हम ऐश की जिंदगी जी सकते हैं बेटा। चलो माँ, रात हो चुकी है, इस समय हमें कोई नहीं देखेगा। मैंने बच्चे को नींद की गोली देकर सुला दिया है, हम इसे जल्दी से उस परिवार को बेचकर पैसे ले आते हैं, फिर आज रात ये देश छोड़कर चले जाएंगे। चंदा और विमला दोनों सास बहू बच्चे को बेचने के लिए चली जाती हैं। पर जब वो घर लौटती हैं, तो घर पर पुलिस को अपने सामने देख दोनों घबरा जाती हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये रही आपकी मुजरिम, मेरी माँ और मेरी पत्नी, ये दोनों ही बच्चा चुराती हैं, आप इनको ले जाइए। दिनेश, तुमने बहुत ही हिम्मत का काम किया है, अपनी माँ और अपनी पत्नी दोनों को पुलिस के हवाले करके तुमने जो इंसानियत का काम किया है ना, वो हर कोई नहीं करता। इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने बच्चे को किसे बेचा है ये भी ये दोनों बता देंगी, मैं इन दोनों का चेहरा और नहीं देखना चाहता। हमें माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब, हमसे भूल हो गई। सुनो जी, हमें ऐसे जेल मत भेजो, हमने तो ये हम तीनों के भविष्य के लिए किया था। सुनो जी, पुलिस को मना करो ना। दिनेश की आंखों में शर्मिंदगी के आंसू थे। आज उसे अपनी माँ और पत्नी दोनों से नफरत हो गई थी। बिमला और चंदा के बताए गए पते पर पुलिस पहुंचती है और बच्चे को किरण को सौंप दिया जाता है। बिमला और चंदा को सजा हो जाती है। दिनेश ने अपनी माँ और पत्नी को पुलिस के हवाले करके सचमुच इंसानियत का फर्ज निभाया था।